एक बार की बात है, एक गांव में बल्लू नाम का आदमी रहता था। वो महाकंजूस था। अजी, अब गर्मी बहुत बढ़ गई है, कम से कम घर में एक कूलर ही लगवा दो। अरे नहीं नहीं, तुम्हें पता भी है कूलर एक दिन में कितनी बिजली पी जाता है। शुक्र करो पंखे चल रहे हैं। बड़ी आई कूलर में सोने वाली। चलो जाओ और रोटी बनाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है, फिर एक काम करो, बाहर से ही रोटी ले आओ, मैं इतनी गर्मी में खाना नहीं बनाने वाली। बड़े आए। अरे यार, ये तो गुस्सा हो गई, अब क्या करूं। अरे प्रियतम, तुम नाराज मत हो, मैं कल ही कूलर लगवा दूंगा। चलो अब जाओ और खाना बनाओ। फिर अगले दिन सुबह होने पर बल्लू दुकान से कूलर खरीदता है और रिक्शे पर लाद कर उसे घर ले आता है। उसकी पत्नी कूलर देखकर फूली नहीं समाती। फिर रात होने पर शीला कूलर चलाकर उसके आगे सो जाती है, लेकिन बिजली का बिल बढ़ने के डर के कारण बल्लू को रात भर नींद नहीं आती। वो बार बार जाता और मीटर की रीडिंग देखने लगता। अरे मर गए रे, ये नास मिटा मीटर तो 4 घंटे में ही 1 यूनिट आगे बढ़ गया। ऐसे तो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा, अब क्या करूं क्या करूं। फिर वो चुपके से जाता है और कूलर को बंद कर देता है और सोने का नाटक करने लगता है। तभी गर्मी के कारण शीला की नींद खुल जाती है। अरे ये क्या, ये अचानक से गर्मी कैसे हो गई? फिर उसकी नजर कूलर पर पड़ती है। कूलर को बंद देख उसे गुस्सा आ जाता है। ये जरूर इन्हीं का काम होगा। वो फिर से कूलर का बटन चालू कर देती है और वापस से सो जाती है। बल्लू चादर से छुप छुप कर शीला को देखता रहता है। अरे यार, इस कमबख्त ने तो फिर से कूलर चालू कर दिया, अब क्या करूं। फिर बल्लू रात भर सो नहीं पाता। फिर सुबह होने पर, क्यों जी, आपने रात को कूलर बंद क्यों किया था? खबरदार, आज के बाद रात में कूलर बंद किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर शीला वहां से चली जाती है। अरे यार, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा। एक काम करता हूँ, यही सही रहेगा। फिर रात होने पर शीला कूलर चलाकर सो जाती है। तभी बल्लू छत पर जाता है और एक कटिया बनाता है जिससे वो बिजली की तार पर डालकर बिजली चोरी कर सके। अरे बल्लू भाई, ये क्या कर रहे हो, जरा ध्यान से, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो करंट लग जाएगा। अरे चल भाग यहाँ से, चल, बड़ा आया मुझे ज्ञान बांटने वाला। फिर बल्लू कटिया डालकर बिजली चोरी करना शुरू कर देता है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है, लेकिन बल्लू बारिश में ही कटिया डालने छत पर चढ़ जाता है और कटिया डालने लगता है। तभी उसे जोरों से करंट लगता है। आई मम्मी, आई, अरे मर गया, अरे, आई, 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 कोई मुझे बचाओ। मैं यहाँ चिपक गया हूँ, अरे कोई मेरी मदद। तभी बल्लू की चीख पुकार सुनकर शीला की नींद खुलती है और वो सीधा छत की ओर दौड़ती है। अजी क्या हुआ, ये क्या कर रहे हो आप? अजी नास मिटी, दिखाई नहीं देता क्या? मैं बिजली के तार से चिपक गया हूँ, मेरी मदद कर, नहीं तो आज मैं नहीं बचने वाला, जल्दी कुछ करो। मम्मी, फिर शीला भागकर जाती है और कुछ लोगों को अपने साथ लाती है। अरे बल्लू भाई, तुम ये कहाँ चिपक गए? मैंने तुम्हें कहा भी था कि बिजली की तार पर कटिया मत डालो। अरे नास मिटे, वहाँ खड़ा रहकर ज्ञान ही बताता रहेगा या मुझे यहाँ से तो आएगा भी। मर गया रे, ये बिजली तो मेरा सारा खून चूस कर ही दम लेगी। अरे मर गया रे। अरे भाई, हम इसकी मदद कैसे करें, इतनी तेज बारिश में सब कुछ भीग गया है,
अगर हमने इसकी मदद करी तो हम भी इसके साथ चिपक जाएंगे। अरे मर गए आ रे। फिर देखते ही देखते बल्लू मर जाता है। फिर कुछ दिनों तक शीला बल्लू की मौत के सदमे में रहती है, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद सब ठीक हो जाता है और वो अपने बेटे के साथ रहने लगती है। अरे माँ माँ, आज बहुत गर्मी लग रही है, कूलर तो चलाओ ना जरा सा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। फिर शीला कूलर चालू कर देती है और वो दोनों सो जाते हैं। फिर कूलर चलते ही बिजली का मीटर तेजी से चलने लगता है। ये देखकर बल्लू का भूत जाग उठता है। अरे नहीं, ये क्या, इन कमबख्तों ने फिर से कूलर चालू कर दिया, मुझे कुछ करना होगा। फिर बल्लू का भूत भागता हुआ छत पर जाता है और बिजली के तार पर फिर से कटिया डाल देता है। तभी सामने रह रहे मंगू की नजर उस भूत पर पड़ती है। उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे प्रियतम जल्दी यहाँ आओ, वो देखो बल्लू भाई का भूत। बल्लू भाई फिर से लौट आए हैं, मरने के बाद भी ये कटिया डालना नहीं भूले। फिर मंगू की देखा देखी सब गाँव वाले अपने घर कूलर और एसी लगवा लेते हैं और रात होते ही सब लोग बिजली के तारों पर कटिया डालना शुरू कर देते हैं। पूरा गांव बिजली चोरी करने में लग जाता है। सब गांव वाले मुफ्त की बिजली का आनंद उठा रहे होते हैं। तभी एक दिन पड़ोस के गांव का एक आदमी वहां से गुजर रहा होता है। वो लोगों के घरों में कूलर और एसी लगा देखकर हैरान हो जाता है। अरे कमाल है भाई, इस गाँव के लोग तो बहुत अमीर है, जो कूलर एसी लगवा कर बैठे है। हमारे गांव में तो बिजली भी पूरे समय नहीं आती, पर इन्हें देखो। फिर थोड़ी दूर जाने पर उसे घरों के आगे बिजली के तारों पर कटिया डाली हुई दिखाई देती है। सभी गांव वाले बिजली चोरी कर रहे होते हैं। अच्छा तो ये बात है, ये सब के सब बिजली चोरी करने में लगे हुए हैं। मुझे इसकी जानकारी बिजली दफ्तर को देनी होगी। फिर वो गांव वाला दौड़ता हुआ जाता है और बिजली दफ्तर में बिजली चोरी के बारे में बताता है। फिर अगले ही दिन बिजली दफ्तर से कुछ लोग आते हैं और सारी कटिया वहां से निकाल देते हैं। सब गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों में छिपे रहते हैं और वो लोग सबकी कटिया निकाल कर अपने साथ ले जाते हैं। फिर रात होने पर शीला कूलर चालू करके सो जाती है। कूलर चालू होते ही बल्लू का भूत जाग उठता है और सीधा छत की ओर कटिया डालने जाता है, लेकिन कटिया तो पहले ही वो बिजली वाले अपने साथ ले जा चुके होते हैं। कटिया ना पाकर वो भूत गुस्से में आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सभी गांव वालों की नींद खुल जाती है। अरे भाई, इस भूत की कटिया तो बिजली वाले अपने साथ ले गए, इसीलिए ये भूत पागल हो गया है। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। भाइयों मेरे पास एक तरकीब है, चलो हमें अभी बल्लू के घर चलना होगा। फिर सब लोग बल्लू के घर जाते हैं और शीला को नींद से जगाते हैं। अरे क्या हुआ, आप सब लोग इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे शीला बहन, तुम तो मजे से कूलर चलाकर सो रही हो, ऊपर छत पर तुम्हारे पति ने चिल्ला चिल्ला कर पूरा मोहल्ला सर पर उठा रखा है। आ? किसकी बात कर रहे हैं, ये तो मर चुके हैं। नहीं बहन, तुम्हारा पति भूत बनकर आज भी बिजली चोरी कर रहा है। आज कटिया ना मिलने पर वो गुस्से से पागल हो गया है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है, मैं जानती हूँ इन्हें कैसे शांत करना है। मैं जब भी कूलर चलाती थी ये तभी कटिया डालने छत पर जाते थे, अगर हम कूलर बंद कर दें तो शायद ये शांत हो जाए। फिर शीला कूलर बंद कर देती है। कूलर बंद होते ही बिजली का मीटर स्लो हो जाता है और बल्लू का भूत वहाँ से गायब हो जाता है। भाई आज तो जान बच गई, लेकिन कल फिर से कूलर चलते ही बल्लू भाई का भूत लौट आएगा, तब हम क्या करेंगे? भाइयों मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम छत पर सोलर पैनल लगवा लें, जिससे हमें मुफ्त में बहुत सी बिजली मिल जाएगी और हमें बिजली चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर अगले ही दिन गांव वाले सरकार की मदद से अपने अपने छतों पर सोलर पैनल लगवाते हैं और उस दिन के बाद से
ना तो कोई बिजली चोरी करता है और ना ही बल्लू का भूत फिर किसी को दिखाई दिया।